शराब पिए हुए है? शराब पिए हुए है? शराब नहीं, महुआ दारू पिए हुए। दारू पिए हुए है? कर पे के दारू पिए है? दारू कर पे के पिए है? कर रुपये लगा है दारू पीने में? दारू पिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर भारत। अभी हम जिस जगह है यहाँ से महज 200 मीटर दूरी पर विधानसभा है, और इधर आइए तो लगभग 200 से 300 दूरी पर आरजेडी कार्यालय और बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय तीनों मौजूद है। जस्ट हम पेट्रोल पंप सामने है और नियर आर ब्लॉक के पास है। यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जो कुछ पत्रकारों के द्वारा उठाकर ऊपर कर दिया गया। जब उसको ऊपर कर दिया गया तो वह बेहोशी की हालत में था, वो भी शराब की नशे में। शराब पिया हुआ है और शराब उसको मुंह से महक रहा है। शराब पिए हुए है? शराब पिए हुए है? शराब नहीं, महुआ दारू पिए हुए। दारू पिए हुए है? कर पे के दारू पिए है? दारू कर पे के पिए है? कर पे लगा है दारू पीने में? दारू पिए है? दारू कै पैक पिए है? आप देख सकते हैं कि पूरा नशे की हालत में है और पूरा बास आ रहा है इस स्मेल से। क्या पुलिस से पकड़वा दे? पुलिस से दारू कहे पिए है? दारू तो बंद है, दारू बंद है ना? आपका चाचा फोटो खींचेगा। दारू बंद है? दारू कहाँ से मिल गया आपको? आप समझ सकते हैं कि दारू के नशे में हालत में है इस स्थिति में, और महज यहाँ से 100 मीटर के दूरी पर विधानसभा और 100 मीटर के दूरी पर तमाम बड़े बड़े नेताओं के कार्यालय हैं, लेकिन तमाम बड़े पार्टियों के कार्यालय हैं, लेकिन इसको अभी कोई देखने वाला नहीं है। और बगर खास बात एक कह दे कि यहाँ से 100 मीटर के दूरी पर सचिवालय थाना भी है, सचिवालय थाना भी है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह तस्वीर जो है बिहार में शराबबंदी का पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय हुआ। देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं 300 रुपया दारू पीने के लिए आ गया, लेकिन 300 रुपया खाना नहीं खा सकता है। दारू पीने के लिए 300 रुपया निकाल गया, 300 टका, लेकिन 300 रुपया का खाना नहीं खाया। ऐसे ऐसे बंदे हैं। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है, हम इतना कहेंगे। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।